कर लो अनुभव प्रभु प्यार ओ शांति। देखो सारी दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा क्या चाहती है? शांति चाहती है। लेकिन सोचना चाहिए कि शांति शरीर को चाहिए कि आत्मा को चाहिए, भौतिक शांति चाहिए या आध्यात्मिक शांति चाहिए। उसको दुनिया में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। धरती के अंदर यहाँ भौतिक कोई भी आवाज़ नहीं है, एक पिन भी पड़े उसका भी आवाज़ नहीं है, तो ये स्थूल शांति हो गया, भौतिक शांति हो गई। हमको चाहिए मनुष्य आत्मा को शांति चाहिए। शांति में भी दो चीज़ें हैं, एक कहते हैं डेड साइलेंस, एक कहते हैं स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस श्वास प्राणायाम, प्राण श्वास को रोक कर प्राणायाम करते हैं, कोई विचार नहीं, निल होके बैठ सकते हैं, समाधि में ऐसे करते हैं। श्वास को रोका, एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट, आधा घंटे तक श्वास को रोक के बैठे, डेड निल। उससे क्या फायदा हुआ वो सोचना चाहिए। दूसरा एक है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में स्वीट साइलेंस का, कि आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं। एक है मन, मन उसको कहते हैं, मन क्या है आप पूछेंगे, माइंड इज ए मशीन विच क्रिएट थॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ गुड एंड बैड डे एंड नाइट। मन एक चैतन्य शक्ति है, जैसे नदी बहती है मन निरंतर बहता रहता है, इट इज ए एनर्जी, एक शक्ति है, तो वो बहती रहती है, उसको रोकना नहीं, सिर्फ उसको दिशा देना है। इसलिए कहते हैं कि मन को दमन नहीं करो, मन को कंट्रोल नहीं करो, मन को अमन करो, समझाओ, दिशा दे दो उसको। मनुष्य घोड़े पर बैठा है, दुनिया ने कहा मन एक घोड़ा है, मन एक तूफान है, तूफान को रोक नहीं सकता है, घोड़े को रोक नहीं सकता है, दिशा दे दो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप पूछेंगे तो शांति क्या है, कि मन के अंदर अच्छे विचार चलना है, थिंक पॉजिटिव, थॉट लेस नहीं है, निल होकर के बैठना नहीं, कोई फायदा नहीं। पानी अगर बहता नहीं है तो तालाब कहते हैं, तालाब का पानी पीने लायक नहीं, खड़ा हुआ है, पानी बहना चाहिए, फिल्टर होता जाता है, जितना बहता जाता है उतना स्वच्छ होता जाता है। तो माइंड, मन के अंदर अच्छे विचार आते रहना चाहिए। उसको कहते अगर मेरे इच्छा के विरुद्ध विचार चलते हैं अशांति है, अगेनस्ट ऑफ माई विल एंड विश। हम नहीं चाहते ऐसे सोचना, विचार चलते हैं, कहाँ से आते हो, उसका सोर्स क्या है? तो क्या मन अपने आप क्रिएट करता है? तब सोचना चाहिए, मन दो प्रकार के विचार करता है, आप देखना। अब इसके बाद भी मेडिटेशन में अपने आप को देखना, एक सुनना है, और आपको सुनते सुनते अनुभव करना, और उसके बाद भी देखना, आराम से आंखें खोल के बैठे हो आप, देखना मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, देखना। ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट के, 10 साल पहले उसने ऐसे किया था, कल मुझे ये काम करना है, और किसने कुछ कहा था, पुराने विचार आएंगे, नहीं तो कुछ करने का प्लान आएगा न्यू। ये मन दो प्रकार का विचार करता है, एक पास्ट का करता है, एक कहा क्रिएटिव, निर्माण करता है। उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव है, अच्छे भी है और गलत भी है, ये दो प्रकार के विचार मन में चलते हैं। हाँ, पास्ट हो चुका, आप क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हैं, हो चुका, उसको कहा फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। कौन लगाए? बच्चों को हम कहते बच्चे गुस्सा नहीं करो, तब कहा कहते दुनिया में औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन है स्वयं को पढ़ाना। तो स्वयं के मन में मुझे आपको देखते ही मेरे मन में गलत विचार चल रहा है, तो इस मन को कौन रोकेगा? अगर आपको पता है मुझे आपको देखने बाद मेरे मन में क्या विचार आया, आपको पता है? नहीं, किसी को पता नहीं, मुझे पता है कि मेरा मन है, तो मेरे मन को कौन समझाएगा?
अब इसको आप ढूंढो. हम कहते हैं मन अशांत, डॉक्टर क्या कहते हैं आज, कहते हैं आज डिप्रेशन कहते हैं, तनाव कहते हैं. किसी के व्यक्ति के प्रति मन में विचार चलता है बहुत. किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, किसी ने अगर आपको बहुत दुख दिया उसकी गहराई में जाते हैं हम. ये क्यों, ये क्या, उसके लिए ऐसे करो, उसके लिए ऐसे करते, सारा दिन रात को भी डिप्रेशन में चला गया. टेंशन, मन, ये मन का सब नाम है. तो मन की शांति कहां से मिलेंगे, कौन देगा? तो मेरे मन में आपको देखते क्या विचार चला तो आपको पता नहीं है. दुनिया में सोने की गोली देते हैं, नींद की गोली, एक घंटा दो घंटा होगा उसके बाद फिर शुरू. लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है दवाई से नहीं, कि कब तक आप मन को सप्रेस करेंगे, कंट्रोल करेंगे. दुनिया में आज जो व्यसन आया, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, उनका दोष नहीं है. क्या करें, सॉल्यूशन बताओ आप. वो कहते हैं मन में गलत विचार चलता है, नींद नहीं आते, नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करें? तंबाकू डालो तो थोड़ा नशे से पता नहीं चलता है, शराब पी लो तो पता नहीं चलता है, टेम्पररी रिलीफ है. तो हमारे पास कोई उसका सॉल्यूशन है? किसी के पास सॉल्यूशन है तो बताओ. हर एक चाहता है निवारण बताए आप. कारण हम गिनती कराते, ये व्यसन मुक्ति नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, कोई चाहता नहीं है. आप सॉल्यूशन दे दो तो वो सॉल्यूशन इस सृष्टि का जो रचयिता है उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम. वो स्वयं सृष्टि का है तो वो आकर के इसका ज्ञान देता है. बच्चे आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं, एक है मन, दूसरी है बुद्धि. आज तक हमको साइंस ने सिखाया, सारे विश्व की फिलॉसफी के अंदर सिखाया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस है, बुद्धि कहां है? आज तक वर्ल्ड एजुकेशन के अंदर सब जगह जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आप कहते हो ध्यान से सुनना, तो ध्यान क्या है? बच्चों को हमको कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन, एकाग्र करो. क्या एकाग्र कर रहे? आज तक सारे विश्व के यूनिवर्सिटी में हमको आज तक पढ़ाया फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए. आप देखना कि जब भी हम जप करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः, अरे आज उसको फोन करना था. पूजा करते हैं, पूजा करते करते और विचार आता है. बच्चा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते आज 7 बजे टीवी में क्रिकेट दिखाने वाले हैं, क्या पढ़ा पता नहीं. तब बच्चों को कहना पड़ता है प्लीज गिव अटेंशन. तो अटेंशन कहां से लाओ? ध्यान दीजिए. अभी भी आपको कहेंगे यहां बैठ के ध्यान लगाना, तो कहां लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे? इसके लिए आधा घंटा भी 7:30 से 8 बजे तक ध्यान करेंगे. लेकिन वो क्या करेंगे इसके लिए उसको आधा घंटा आपको स्पष्टीकरण चाहिए. तो मन और बुद्धि है. आपको यहां बैठे बैठे मन में बहुत विचार चलता है. मन एक मशीन है, ये उसके अंदर बहुत प्रोडक्शन चलता रहता है, पुराने नए ये करना चाहे वो करना सब आएगा. लेकिन उसके बाद एक शक्ति है बुद्धि, समझ. वो कहती है आपको इनको देखकर ये नहीं सोचना चाहिए, अपने को पढ़ाओ. दूसरों को हम पढ़ाते ये नहीं सोचो, नहीं मेरा कंट्रोल औरों पर नहीं. हमारे हाथ में रिमोट होता है, टीवी का ये चैनल ठीक नहीं, ये चेंज करो, दूसरा चाहिए. जैसे हम टीवी का चैनल चेंज करते हैं ऐसे औरों को भी चेंज करना चाहते हैं. ये अच्छी तरह से जाना चाहिए, वी कैनॉट चेंज अदर्स. हम औरों को चेंज नहीं कर सकते, हमारा अधिकार अपने मन पर है, अपने ऊपर है. इसलिए कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, स्वयं के ऊपर मैनेज करो. दूसरों को मैनेज करना नहीं जाना, वो बाद में, पहले स्वयं. स्वयं के अंदर भी मन, मन को पढ़ाओ. मन, तुम इनको देखकर ये सोच रहे हो क्यों, वो गलत कर रहा है तो उसका काम है, उसका धर्म है. मेरा कर्म मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? जो हमने इतना सुना पढ़ा वो ज्ञान अपने लिए है, पहले अपने पर प्रयोग करो. मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर मैं ऐसा सोचूं तो मन विचार करता है उसका असर मेरे शरीर पर पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है. जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, जैसे सोचते हो वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. हमारे शरीर पर उसका प्रभाव क्या है विचार का, वो भी जानना चाहिए. गलत दूसरा कर रहा है और मैं अपने मन में अंदर गलत विचार कर रहा हूं, इसको समझदारी कहेंगे?
समझदार कौन, करता दूसरा गलत, और मैं सोच रहा हूँ मेरा मन, तो मेरे मन पर मेरा अधिकार है, तो बुद्धि के अंदर समझ है। इसलिए कहा कि जो सुनते हो, सुनने के बाद समझ में आया, बुद्धि को समझ है। कल उन्होंने ये कहा था, कल रामायण में ये कहा था, कल कुरान में ये कहा था, कल बाइबल में मैंने ये पढ़ा, कल गीता में ये कहा था, जो जिसको याद है वो अपने मन पर अमल करता है। पहले अपने पर ऊपर उपयोग करो उसको, तब कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। हम औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पहले अपने मन को परिवर्तन के, जो अपने को जीत नहीं सकता है। तब कहा मन जीत जगत जीत है, मन को पहले जीत लो, जगत को बाद में। तो मन को जीतने की सबसे सहज विधि है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। आप पूछेंगे नंबर वन पवित्रता है ये, और नंबर वन राजयोग है, और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्ति है। और सिर्फ एक ही दिन करो, कल सवेरे, कल रात को आप सोएंगे तो देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कब सोए कब उठे आपको पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो बहुत डॉक्टर्स आते हैं, ये दवाई ले लो ये ले लो, कुछ हुआ ही नहीं, डॉक्टर दवाई लेके चला गया, हम इधर ही है। आप मुझे परसों सवेरे बता सकते हैं, भाई जी आपने जो गोली दी उससे कुछ हुआ नहीं, या हुआ रिजल्ट देना। नहीं तो हम सुनते बहुत बहुत कुछ है, सुनने के बाद ये प्रयोगशाला है। एक साइंटिस्ट, उसको कहा, वो मटेरियल साइंटिस्ट है, मटेरियल से वस्तु से ढूंढता है कुछ, ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। हम यहां बैठे अपने ऊपर प्रयोग करो, क्या मैं अपने मन को दिशा दे सकता हूं, क्या अपने मन को मैं समझा सकता हूं कि सिर्फ दूसरों को समझाना ही मेरा धर्म है मेरा कर्म है। नहीं, पहले स्वयं, तब कहा जो स्वयं को समझा सकता है उसी को अधिकार है वो दूसरों को समझा सकता है। जब तक जो स्वयं को नहीं समझा सकता है उसको अधिकार नहीं दूसरों को समझाना। किसने अधिकार दिया? अपने आप अपने क्रोध को जीत नहीं सकते हो, दूसरों को कैसे कहते हो आप? तब भारत में गांधी जी का नाम लेते हैं, उन्होंने एक माता अपने बच्चों को लेके गई, महात्मा जी ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, कहानी आपने बहुत दफा सुनी, एक एग्जाम्पल है ये, कि उन्होंने कहा एक हफ्ते के बाद लेके आना, अभी नहीं। तो गांधी जी स्वयं गुड़ खाते थे, उन्होंने कहा पहले मैं छोड़ू। एक हफ्ते के बाद बच्चे को लेके गए, बच्चे गुड़ नहीं खाना, महात्मा जी आप उसी दिन कहते थे, इतने एक हफ्ता क्यों लगाया? हाँ पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था। इसलिए कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, अनुभव एक शक्ति है, वाणी सिर्फ शक्ति नहीं है। तो वाणी के बाद अगर अनुभव है वो आपके दिल को लगता है मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तब कहा आज मुझे दिल को लगा, जो शांति अनुभूति का, अनुभूति कौन करेगा? मैड व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता है, बुद्धि अनुभव करती है। तब कहते इनको अनुभव नहीं है, मैड है, बुद्धू है, डल इंटेलेक्ट है, शार्प इंटेलेक्ट है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एकाग्रता मना, जहां मन और बुद्धि इन दोनों को एक कीजिए। इसलिए एक ही भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक, सिस्टमेटिकली। तो यहां भी आप बैठे हुए आराम से बैठना, तो वो नंबर वन राजयोग है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, और नंबर वन पवित्रता है। और ये शास्त्रों में भी कहा है, अधम ते अधम महापापी है। और एक पत्थर मानना चाहिए? बताओ, बहुत खराब व्यक्ति है, अधम ते अधम महापापी है, क्या करना चाहिए? पत्थर मानना चाहिए? दया, क्षमा, दया करो, क्षमा करो। उसके ऊपर भी और एक है, दया क्षमा भी कैसे करे, वो नंबर वन। आप कल सवेरे एक दफा करके आए हो, कुछ प्राप्ति करके देखना, अनुभव करो, तब हम सारे वर्ल्ड के सामने चैलेंज कर सकते हैं, ये दवाई इस बीमारी के लिए नंबर वन है। डॉक्टर भी दवाई बनाता है कोई व्यक्ति,
एक एक जीवन लगे, एक सारा जीवन लगता है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। प्राणी पर करता है, फिर अपने ऊपर करता है, औरों पर करता है, फिर बाहर निकलता है। तब कहा अपने ऊपर आप करो तो आप यहाँ से जाने के बाद औरों को कह सकते हो कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, दिशा दे सकता हूँ, मेरा नियंत्रण मेरे ऊपर है। तब कैसे, नहीं तो आप शांत रहो, आप चुप रहो, आप ऐसे नहीं करो, कि हमें कहने का अधिकार नहीं है। इट इज डिसीविंग, ये औरों को हम डिसीव कर रहे हैं। तो स्वयं को नहीं कर सकते हो तो औरों को कैसे कह सकते हो। तो वो नंबर वन, यहां कुछ भी नहीं करना। कल सवेरे उठते ही एक गोली। तो कहा औरों के प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव। कैसे सोचेंगे आप? अगर भाई जी को देखते माता जी तो नहीं कहेंगे, भाई जी कहेंगे कौन सा भाई है, इसको देखते मन में तूफान चला, इसने मुझे कल ऐसे कहा था, इसको मैं ऐसे करूंगा, तूफान चला, मन अशांत हुआ। तो इस शांत कैसे करें? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है, किसी को देखते ही मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, दोनों हाथ भी खाली, जेब भी खाली, लेकिन मैं किसका संतान हूं? वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक खुदा के बंदे हैं, एक ईश्वर के संतान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भाई के जेब में हाथ नहीं डाल सकता हूं, लेकिन पिताजी के जेब में हाथ डाल सकता हूं। पिताजी की अमानत मेरा अधिकार है। रास्ते पर चलो, किसी पर नजर गई, देखते ही हमारा बाप कौन? सत्यम शिवम सुंदरम, उसको हम कहते हैं शुभ बाबा, ये आपका बच्चा है, बहुत खराब है, लेकिन आपके बच्चे को आप समझाएंगे, आप संभालेंगे, आप सद्बुद्धि देंगे, बस इतना ही। किसी पर नजर, कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, मित्र हो, दुश्मन हो, किसी पर नजर कर एक दिन, और वो भी एक घंटे में 60 मिनट है। वन ड्रॉप, एक बूंद के हम प्यासे हैं, एक एक बूंद इकट्ठा करो, एक एक घंटे में 60 मिनट में 60 बूंद इकट्ठा कर सकते हो, मैक्सिमम है, मिनिमम बताता हूं। एक घंटे में एक व्यक्ति को देखते ही शुभ बाबा इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको शांति की शक्ति दे दो। क्यों? हमारे पास दो ही चीज है, या दे दो या ले लो। आप देना चाहते हो कि लेना चाहते हो? आप कहेंगे मैं देता भी नहीं हूं, लेता भी नहीं, न्यूट्रल रहता हूं, संभव नहीं है। ये चैतन्य शक्ति न्यूट्रल नहीं रह सकती है। आइदर यू गिव और यू टेक इट। तो देना चाहते हो कि लेना चाहते हो? लेने वाले कौन और देने वाले को देवता कहते हैं। भगवान के बच्चे देवी देवता है, देने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं, भगवान कहते हैं मेरे से लेके दान करने में कंजूसी क्यों करते हो? अपने जेब से तो नहीं जा रहा है ना, अपने जेब से तो नहीं जा रहा है, और कुछ भी नहीं करना। जैसे आप देखा हमारे साधु संत भी रास्ते पर जाते हैं, माला होती है, ओम नमः शिवाय, राम 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 करते जाते हैं। क्यों? कि मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख पर भगवान का नाम रहे, एक्यूरेट है। उसके बाद और एक आगे स्टेप्स है, ये आध्यात्मिकता है। मन में किसी को देखकर, उसका अपना कर्म है, उसका अपना धर्म है, वो अपना है, लेकिन मुझे उसके प्रति क्या करना है? ये मेरा धर्म, मेरा कर्म क्या कहता है, मुझे क्या सिखाया मेरे माँ बाप ने, मैंने क्या पढ़ा, वो मुझे करना है। नहीं, उसको भी करना चाहिए, नहीं, वो उसका धर्म है। तो मेरा धर्म मुझे आचरित का स्वधर्म सुख का सुख देता है। पर धर्म, पर धर्म किसको कहते हैं? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म नहीं, ये एक एक की धारणा है। आपकी धारणा ले लो, मेरा धर्म मुझे क्या कहता है, औरों के प्रति शुभ सोचो, चाहे वो कैसा भी हो, वो उसका काम है। मेरा काम किसी को देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, बहुत अच्छा है, इसको सुखी बनाओ, ये बहुत खराब है, लेकिन इसको ऐसी सद्बुद्धि दे दो ये दोबारा ऐसा न करे। मां के साथ छोटा बच्चा जाता है, मम्मी ये मेरा दोस्त है, इसको चॉकलेट दे दो, हां देंगे, हां हां करते जाएंगे। देना न देना
माँ समझदार है, अगर बच्चों को चॉकलेट देंगे उसका दांत खराब हो जाएगा, उसके माँ बाप कहेंगे भगवान समझदार है, किसको क्या देना किसको क्या नहीं देना। अगर आपने सुनी हो सत्यनारायण की कहानी सुनी, शंकर और पार्वती की कहानी सुनी आपने, शंकर पार्वती ऊपर से जा रहे थे तो पार्वती ने कहा देखो ये बहुत गरीब है जा रहा है, इनको कुछ दे दो। नहीं, उसके तकदीर में नहीं आए, आपने कुछ दिया ही नहीं कैसे कहते हो, तो देखना चाहते हो। उसके सामने एक सोने का वीट फेंका, पत्थर समझ के बाजू में करके चला गया। तो अच्छी तरह से जानना चाहिए इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है कि पाप आत्मा इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता है। आज भी भारत गरीब नहीं है, हमने देखा बेंगलुरु में एक साधारण 37 ईयर्स ओल्ड सन्यासी ने 250 टन गोल्ड का गोल्डन टेम्पल बनाया, साधारण व्यक्ति। आज भी भारत में इतना सोना हीरा, भारत आज भी गरीब नहीं है, भारत में रहने वाले अपने गुणों कर्मों से गरीब हो गए हैं। तो भगवान आके दोबारा ऐसा बनाना सिखाता है कि भगवान के बच्चे हैं, खुदा के बंदे हैं, हम ईश्वर के संतान कहते हैं। कोई भी कहता नहीं मैं रावण का संतान हूं। अगर कल सवेरे उठते एक काम करके देखना, और ये नंबर वन राज जो गए किसी ने शादी नहीं किया उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी। आज भारत में लाखों है लेकिन पवित्रता चाहिए। पवित्रता किसको कहते हैं, अंश भी किसी को देख के ही मन में गलत विचार नहीं हो। थॉट इज रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीजेस, सारी बीमारियों का दुखों का कारण मन है। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर दृष्टि जाती है, फिर वृत्ति, फिर बोल, फिर कर्म है। मन को पहले जीत लो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राजयोग है, किसी पर नजर गई आप रस्ते पर चलो, कल एक दिन कभी कभी हम मौन रखते, मेरा मौन है, मुख से मौन रखा आपने, मन मन क्या कर रहा है, मन कहां कहां दौड़ता है। तो ये भौतिक हो गया, मन का मौन, मन का मौन अर्थात मन के अंदर हर एक के प्रति शुभ सोचना, समझ में आया, इसको कहते शांति। अगर मन आप एक घंटा घड़ी में देख लो, नोट करो एक घंटे के अंदर मेरे मन में क्या क्या विचार चले, और मन को समझा, मन तुम इनके लिए क्यों सोच रहे हो। अभी माताजी इधर बैठी है, बच्चे स्कूल से आए घर में, माताजी इधर बैठी है, पता है उनको बच्चे कहाँ गांव में है, वो स्कूल से आए, उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, नहीं खाया, क्या आप यहां से भेज सकते हो। इसको कहा व्यर्थ, व्यर्थ और विकल्प, व्यर्थ अन जरूरत नहीं है, पता है मैं मेरा हाथ उधर नहीं पहुंचेगा, हम यहां से कुछ भेज नहीं सकते, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे योग्य विचार नहीं है, मैं उसके योग्य नहीं हूं, तो उसको कहा व्यर्थ भी नहीं। व्यर्थ और समर्थ कहते हैं, साधारण और श्रेष्ठ विचार कहते हैं। तो श्रेष्ठ विचार आपको सिखाया बताया कि किसी पर नजर गई, अगर इधर बैठे बैठे आपके मन में कोई नहीं है, बैठे हो अरे उसने मुझे पैसे देना था दिया ही नहीं, हाँ आएगा नहीं, आनेगा नहीं, आना चाहिए, आते समझाओ, हाँ वो पैसे तो देगा भगवान, वो आपका बच्चा है, शिव बाबा मेरा पैसा नहीं, मैं लेके नहीं आया था, ना ले जाऊंगा, वो आपका बच्चा, आपके बच्चे को बताओ ये भगवान का पैसा है, रखना नहीं चाहिए, आपने वादा किया था निभाना चाहिए। आपका संकल्प, वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स, संकल्प पहले पहुंचता है फिर आवाज पहुंचता है। तो यहां बैठे औरों के प्रति, जैसे घर में बच्चा टीवी देखता है बहुत परेशान करता है, मुख से बोलो गुस्सा करो सुनेगा, मन में संकल्प करो भगवान शुभ बाबा ये आपका बेटा है मेरा नहीं, आपने मुझे दिया संभालो खिलाओ पढ़ाओ इतना ही मेरा धर्म है, ये आपका बच्चा है, ये आपका पति है, इसको शांति की शक्ति दे दो, मेरा पति है तो आप करो, मेरा शब्द आया तो वहां लिमिटेशंस आया, हद आ गई बेहद। तो वाइब्रेशन जो काम करते इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, नंबर वन राजयोग, शांति तब चाहेंगे आएंगी, नहीं तो मन में बच्चे स्कूल से आया कि नहीं, हाँ नहीं आया, क्या हो गया, ऐसा हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा, जो कौन सोच रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा, लगाव, अटैचमेंट,
ये अशांति का कारण। इन सब का निवारण आपको बताया, कुछ भी नहीं। मेरा इस संसार में एक दिन बैठो, इधर बैठे सोचना है, लिस्ट निकालो, इस संसार में मेरा क्या चीज है। आप कह सकते हैं शरीर मेरा है, धन मेरा है, पति मेरा है, बच्चा मेरा है, मकान मेरा है, क्या मेरा है? आपके दो चीजें, सिर्फ सिर्फ आपके दो ही चीज है। कौन सी है वो बता सकते हो? एक भगवान आपका है, वो अविनाशी है। ये शरीर छोड़ने के बाद भी वो आपका ही है, भगवान के बच्चे, आत्मा शरीर नहीं। दूसरा, आपने जो इस शरीर में रहकर जो कर्म किया वो आपको न छोड़ेगा न आप उसको छोड़ सकते हो। ये दो चीज आपकी है। सदा ये देखो, जो मैंने शरीर में आने के बाद अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैंने जो जो किया वो मेरी अमानत है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, न वो आपको छोड़ेगा, आपके साथ साथ जाएगा। तो एक बैठ करके सोच लो, मेरी संसार में क्या चीज है, मुझे कौन सा धन। तब कहा राम धन, वो एक ज्ञान धन जमा करो। तो कौन सा धन जमा करना चाहिए? अगर वो धन है तो उसके मन में कोई तूफान नहीं, शांत निश्चिंत। तब कहते दुनिया, कहते भारत भगवान के भरोसे पर चल रहा है, इंसान के भरोसे पर भारत नहीं चलता है। भारत को भगवान चलाता है, भारत को इंसान नहीं चला सकता है। सारी दुनिया कहते भारत को कौन चलाता है? तो भगवान की, भारत अविनाशी खंड है, भगवान की भूमि है। तब भारत में ही शिव जयंती शिव आता है। इसलिए नंबर वन, शांति चाहते हो कुछ भी नहीं, सिंपल एक ही काम करो, कल एक दिन करके परसों सवेरे मैं हूं इधर, बताना कल रात को आप सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कोई चमत्कार नहीं है, ये जादू नहीं है, ये विधान है। हमारा मन दो काम करता, भाई जी को देखते ही विचार आएगा, भाई ऐसा क्यों बैठा है, ऐसा बैठना चाहिए, विचार आएगा नहीं, उनको जैसे अच्छा लगता वो बैठा, मुझे क्या करना है। भगवान ये आपका बच्चा है, इसको ऐसी शिक्षा दे दो, ऐसे समझ दे दो जो आप चाहते हो, सिखाने वाला वो है। अगर इस सभा में एक छोटा सा बच्चा आवाज करता है, बहुत भागा दौड़ी करता है, वो मौज में खेलता है, लेकिन आप सबको डिस्टर्ब होता है, आप बच्चों को, बच्चे चुप बैठे सुनेगा नहीं, क्या करेंगे, उसको मारेंगे आप, गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन है बताओ? माता जी कहेंगे माता जी आप अपने बच्चों को संभालो, वो लेके अपने गोदी में बैठेंगे, लेके बैठ जाएंगे, चुप बैठेगा, आपका नहीं सुनेगा। हम भी किसी को समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि सब खुदा के बंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं कहते हम, लेकिन आचरण में नहीं ला रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। हर एक व्यक्ति पूछ लो आप, हर एक व्यक्ति इसको मानता है, समझता है, सिर्फ अंतर है आचरण में लाना है। तब कहा लिस्निंग, श्रवण इज नॉट एवरीथिंग, सुनने से कुछ भी नहीं होगा, सुनने के बाद जो समझ में आया वो आचरण में आएगा, आचरण में जब लाया तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि कल एक दिन आए हो, जब कितने मेहनत करके अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, अमेरिका से दो भाई आए, डॉक्टर ने उनको कहा आप नहीं जा सकते हो, आपके हार्ट खत्म हो जाएंगे आप, मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे जाना ही है, और गया और खत्म भी हो गया, क्या प्राप्ति किया? तो अमरनाथ यात्रा करते हो, यहां इस यात्रा पर आए हो, यह ज्ञान मान सरोवर है, ज्ञान के अंदर डुबकी लगाओ, समझ में आना चाहिए। तो क्या छोड़ना चाहते हो, क्या आपको दुख देता है, मन में क्या तनाव है, बार बार किसकी चिंता है, आप कुछ कर सकते हो उसके लिए, सॉल्यूशन है तो उसको छोड़ के जाओ, मुझे ये छोड़ना है। तो वो आपने डिसाइड करना है, आपकी योग्यता के, मैं कहूँ ये छोड़ दो, अगर आपकी वो प्रिय चीज है आप चाहते हो तो आपको निर्णय करना है, क्योंकि हर एक के पास बुद्धि है, नहीं तो दुनिया में माताएं कहते मंदिर में जाके भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, हमारे पास बुद्धि है कि भगवान देगा? हाँ, हर एक के पास मन है, बुद्धि है, उसके बाद जो कर्म करते वो संस्कार होता है।
तब हम कहते हैं पापात्मा पुण्यात्मा देवात्मा महात्मा, संस्कारों से कहते हैं। पापात्मा देवात्मा दिखाई नहीं देता है, ये आत्मा की पावर है। इसलिए शांति चाहते हो मन में शुभ विचार करो आराम से। अभी आधा घंटा हम बैठेंगे साढ़े सात से आठ बजे तक, तो क्या करेंगे, सिर्फ अपने आप से बात करो कि मन तुम क्या सोच रहे हो। इस ऐसा सोचने से क्या फायदा, आपने एक दिन से कल और आज क्या सुना, तो क्या करना चाहिए, अपने को पढ़ाना शुरू करो। अपने को पढ़ाते रहेंगे आपको आधा घंटा कब चला गया, क्योंकि ध्यान कहाँ है, अपने ऊपर है। कॉन्सेंट्रेट ऑन सेल्फ, स्वाध्याय कहते हैं, स्वयं के ऊपर अध्ययन करो, औरों पर नहीं। वो बाद में करेंगे, वो आपको कल बताएंगे भगवान पर ध्यान कैसे करना है, वो बाद में। जो स्वयं पर ध्यान नहीं कर सकता है तो भगवान के ऊपर कैसे ध्यान करेगा, है ना। पहले स्वयं कर, स्वयं को ढूंढ लो, ध्यान कौन करना चाहता है। तो अपने मन को पहले देखो, मन को जीत ले, मन को देखते रहो, मन तुम क्या कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किसकी चिंता, अपने आप को पढ़ाओ। जब अपने पर ध्यान जाएगा तब देखना सब कुछ भूल, इसको कहते हैं रिलैक्स। शरीर का भान नहीं, पाँव सुन्न हो गया, दर्द हो गया, सब कुछ भूल जाएंगे आप। पाँच दस मिनट तक आपको पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ बैठे हैं। नहीं तो ये मन दो काम करता है, किसी को देखते अच्छा भी सोच सकते हो, गलत भी सोच सकते हो, दोनों कर सकता है। आज अपने मन को पढ़ाओ, मन एक दिन तुम औरों के प्रति शुभ सोचो। परसों आपको समय देंगे, जो चाहे सोचना, एक दिन औरों को देखते कल सवेरे उठते ही खटिया पर बैठते ही अपने आप को एक पाठ पढ़ाना कि मुझे एक दिन कल और कोई काम नहीं है, खाना बनाना नहीं है, किसी को कपड़े धोना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आराम से रहो, शांत, बाहर जा भी नहीं सकते, बरसात है, ऐसे स्थान पर बैठो, साधना के लिए ऐसी जगह चाहिए, तो कहीं मन चंचल है थोड़ा सा घूम के आते हैं, कहीं जा नहीं सकते हो, आराम से रात बंद इधर, तो यहाँ बैठे बैठे अपने को पढ़ाओ तो सारा जीवन आप याद करेंगे। जिस दिन हम ज्ञान सरोवर में गए थे उस दिन मन की जो शांति प्राप्त की थी वो चाहिए मुझको, वो आपको बार बार लेके आएगा, बार बार शांति की ओर खींच लेगा, क्योंकि अनुभव चाहिए, टेस्ट। एक बार आपने टेस्ट किया वो आपको बार बार खींचता है। इसलिए कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, तो वो अनुभव आप प्राप्त करना। तो बैठते हुए अभी आप आधा घंटा बैठेंगे, अपने आप से बात करो, मैं कौन, मैं आत्मा, ये शरीर आज है कल छोड़ देना है, ये मैं इस दुनिया में एक मेहमान हूं, कि सदा रहना चाहते हो इस शरीर में रह सकते हो, नहीं, टिकट आया छोड़ देना है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, किसी का भी टिकट आया, मैं आज नहीं कल आता हूँ, चलेगा नहीं। तो ये मैं इस धरती पर मेहमान हूँ, तो मेहमान तुम किसके लिए सोच रहे हो, क्या चाहिए आपको, कल छोड़ देना है, मेरा इस दुनिया में क्या है। अपने आप को देखते रहो, मन को जीत लो, मन को देखने लग जाओ तो सब कुछ भूल जाएंगे। दुनिया में सिखाते एक बिंदु लगाते डॉट, उसको देखते जाओ, उसको देखने से आंखों की टेंशन आएगा, आंखों से पानी आएगा, क्योंकि ये फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन है। स्थूल आंखों से एक जगह पर देख रहा हूं, मन क्या कर रहा है, मन तूफान मचा रहा है। तो आध्यात्मिक शांति चाहिए, भौतिक शांति नहीं। तो इसके लिए अभी पूरे आधा घंटा है, तो साधना भी करने चाहिए, बहुत सुना, तो हमारे साथ सभी साधु संत सभी बैठे सब मिल करके, क्योंकि सारे विश्व को क्या चाहिए, विश्व शांति चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे। तो आप और हम सब बैठ के यहाँ से ऐसे एक भी गलत विचार नहीं करना, आया तो तुरंत समझाओ, अगर मच्छर आता है बैठने दो काटने दो चलेगा, तुरंत ऐसा करते हैं ना, तो मन में गलत किसी का विचार आया, मन तुम क्या सोच रहे हो, ये नहीं सोचना है, ये सोचना है। बार बार मन पर ध्यान दे दो तो मन जीत हो जाएंगे। अगर मन पर ध्यान है, मच्छर इधर आराम से सुनते बैठे, मच्छर काट रहा है, चलेगा, काटने दे, एक बूंद तो खून ले जाएगा, हाँ कितना, 7 लीटर खून है, एक बूंद गया तो क्या होगा, नहीं, एक बूंद, एक मच्छर आज 2 लाख रुपया का नुकसान करता है। डेंगू की बीमारी आई, स्वाइन फ्लू आया, नाम अलग अलग है, 2 लाख लगते हैं कम से कम। तो इसलिए इतना एक बूंद खून के में वैल्यू है, तो इसलिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करो।
तो उसको आज सदुपयोग करेंगे, आराम से बैठकर आप अपने आप को पढ़ाना शुरू करो, कर सकते हैं। मन को जीतने की कतला, और किसी का विचार आया आने दो, नहीं आना चाहिए नहीं करता हूं, आपके मन को दमन नहीं करता, आने दो विचार, समझाओ, उसके लिए सोच के आप क्या कर सकते हो, वो उसका कर्म है, उसने किया, मुझे क्या करना है, मेरा धर्म मेरा कर्म, मुझे दो दिन से मैंने यहां क्या सुना, मुझे क्या करना चाहिए। हर एक के पास, भारत के हर एक व्यक्ति के पास ज्ञान धन भरा हुआ है, सिर्फ समय नहीं है यूज करने के लिए। तो भगवान ने आप सबको एक ऐसा चांस दिया यहां बैठ के, जो ज्ञान सुना हुआ आपने उसका आज अपने ऊपर प्रयोग करो, ये प्रयोगशाला है। नहीं तो ज्ञान सुना हुआ किस काम का है, धन कमाया किस काम का हो, अगर आपको खाना ही नहीं मिलता उस धन का तो धन उपयोग है, हम किसके लिए कमाते धन को, शरीर को सुख देने के लिए, जीवन में सुख के लिए। तो ये ज्ञान धन आत्मा को सुख और शांति देंगे, समझाने शुरू कर दो, समझाते समझाते देखना आप एकदम निल हो गए, अपने ऊपर एकाग्र हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सारे हॉल में लगेगा आपको, एक को व्यक्ति को भी खांसी भी नहीं आएंगे, एक भी हिलेगा भी नहीं, देखना। इसको कहते हैं साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। जैसे भारत में हवन करते हैं, हवन करते हैं तो उसके अंदर तेल घी बहुत कुछ जलते हैं शांति के लिए, क्योंकि उसके जो तरंगे हवा निकलती है धुआं, उससे सब वातावरण शांत हो जाएगा। लेकिन यहां जो हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं उसको कहते हैं, जगह अगर ये सारे फैन इधर चलते रहे एकदम हॉल शांत शीतल हो जाएगा, तो मन का ये फैन चलेगा तो मन के शुभ विचार ही वातावरण को शांत शीतल करता है। तो आवाज कौन करता है, मन के विचार है, मुख से बोलने लगते हो तो आवाज हो जाता है। अगर मन ही शांत है तो मुख से आवाज निकलेगा नहीं, पल मन को जीत लो। तो ये हम आधा घंटा ऐसा बैठना चाहते हैं, मंजूर कर सकते हो, किसी को तकलीफ, किसी को उठना है तो दो मिनट के अंदर फ्रेश होके आ जाओ, बीच में नहीं उठना, एक उठता है तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए शांत होके बैठ जाओ। ओम शांति। Thank you.
है।